नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कि सचिवालय सहायक या बीएसएससी सीजीएल 3 में सबसे ज़्यादा किन्हें जॉब लगती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सीजीएल 1 या 2 दोनों को कि सबसे ज़्यादा जॉब वाले को ही जॉब लगती है। और एक मेरे एनालिसिस के अनुसार 60 से 70% जॉब वाले ही सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों? आखिर जो बेरोजगार हैं वो क्या करेंगे? तो देखिए, यह जो वीडियो है बेरोजगार जो हैं उनके लिए निराशाजनक साबित होगी, लेकिन उनके लिए एक आशा की किरण भी लेकर आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं सीजीएल 1 की बात करूँ या 2, उसमें से 60 से 70% जो सेलेक्ट हुए हैं वो पूर्व के जॉब में। अब जब जॉब वाले के अंदर भी आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें से 80% जो लोग हैं वो रेलवे से आए हुए हैं। तो देखिए, अदर नौकरी वाले को क्यों नहीं होती और रेलवे वाले को क्यों होती? अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी आपकी तैयारी की रणनीति इस तरह की होनी चाहिए। यानी आपकी फाइट जो होने वाली है वो बेरोजगारों से नहीं होने वाली है, आपकी फाइट पूर्व से जॉब कर रहे हैं उनसे होने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे समझने का प्रयास करें। तो देखिए, रेलवे की जो तैयारी करते हैं उनकी रणनीति क्या होती है? तो रेलवे की तैयारी करने वाले की रणनीति इतनी सटीक होती है कि उनको पूरा लूसेंट याद रहता है, सो कर उठते हैं और लूसेंट को पकड़े रहते हैं, तो जीके में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जीके यानी जनरल साइंस या जनरल स्टडीज। अब बारी आती है रीजनिंग की। तो रेलवे के स्टूडेंट की क्या है कि रीजनिंग भी बेहतर होती है, क्योंकि उनकी तैयारी का ये पार्ट होता है। इसके अलावा मैथ, तो मैथ मात्र 25 पूछे जाते हैं और वो भी हल्की प्रकृति की पूछी जाती है। तो मैथ भी इनकी क्या है, क्लियर होती है। यानी रेलवे के स्टूडेंट जो होते हैं, रेलवे के जो छात्र होते हैं, वो एक तरह से बहुत ही परफेक्ट होते हैं, जुझारू होते हैं, और उनको न दिन सूझता है न रात, उन्हें सिर्फ पढ़ाई सूझता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनती जो छात्र हैं वो रेलवे के स्टूडेंट होते हैं। और दूसरा, इस एग्ज़ाम के प्रति जो उनकी पढ़ाई है वो भी क्या फिट बैठती है, इसीलिए क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा रेलवे वाले लोग आते हैं। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उसी तरह से, यानी रेलवे वाले जैसे तैयारी करते हैं वैसे ही आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे अदर जॉब वाले क्यों उतना नहीं आते हैं। तो अब बात करते हैं एसएससी वालों के लिए। तो एसएससी वालों की मैथ सही होती है, रीजनिंग सही होती है, लेकिन वो जीएस और जनरल साइंस में क्या है, पिछड़ जाते हैं और उनकी उतनी बेहतर नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश के चक्कर में उनकी जनरल स्टडीज पे उतनी वर्क नहीं हो पाती है और उस तरह से वो मेहनत नहीं करते हैं, जिसके कारण एसएससी वाले पिछड़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको डर होगा कि बीपीएससी वालों से कैसे निपटा जाए। तो देखिएगा, बीपीएससी वाले तो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जनरल स्टडीज बेहतर होगी, लेकिन वो रीजनिंग और मैथ में पिछड़ जाते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको सचिवालय सहायक बनना हो तो रेलवे की तैयारी करने के लेवल में आना होगा। और दूसरी नंबर, जो भी रेलवे में जो निम्न पोस्ट पे हैं, जैसे ग्रुप डी में हैं या स्टेशन मास्टर हो या अगर कोई भी रेलवे का पोस्ट है, वो लोग सबसे ज़्यादा आक्रामक रूप से इसकी तैयारी और इंतज़ार में लगे होते हैं। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उनसे आपको निपटना पड़ेगा, यानी उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर आपको सचिवालय सहायक बनने का सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, आज से समय गवाए बिना आपको लगने की आवश्यकता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से रेलवे के तैयारी करने वाले लोग लगे हुए हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।